अमेरिका के न्यू जर्सी में एक कपल ने कोर्ट के टॉयलेट में शादी की। एक असामान्य स्थिति में कपल ने जब शादी की जब उन्हें लगा कि उस दिन उनका विवाह रद्द कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं पूरा मामला। न्यू जर्सी के मॉनमाउथ काउंटी की घटना है। ब्रायन और मारिया अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कोर्ट आए थे, लेकिन तभी ब्रायन की माँ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी कोर्ट के अधिकारियों ने तुरंत में फैसला लेते हुए दूल्हे की माँ को बाथरूम ले गए और उन्हें ऑक्सीजन देने लगे। कपल को उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई, लेकिन उन्हें लगा कि अगर आज शादी नहीं हो पाई तो फिर उन्हें मैरिज लाइसेंस के लिए 45 दिन इंतजार करना पड़ेगा। दूल्हे की माँ के बिना भी शादी पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि उन्होंने पेपर पर सिग्नेचर किए थे। ऐसे में कपल ने टॉयलेट में ही शादी करने का फैसला किया। इसके लिए जज भी बाकायदा रेस्ट रूम में आए। ये शादी 2 जनवरी को हुई, लेकिन कोर्ट के अधिकारियों ने बाद में इसकी तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।